अक्सर हमने छोटे से पर्दे की कई खूबसूरत अभिनेत्रियों को अपने ही को-स्टार या किसी अलग पर्सन के साथ अफेयर में रहते हुए देखा है, जिनसे उन्होंने शादी भी कर ली है और आज उन्हीं के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशहाल तरीके से जी रही हैं। लेकिन दोस्तों, शायद आपको नहीं पता कि टीवी की उन्हीं अभिनेत्रियों में से कुछ ऐसी भी खूबसूरत अभिनेत्रियां हैं जो कि एक से ज्यादा अफेयर में रहने के बावजूद भी आज अकेले जिंदगी जी रही हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वो ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती हैं। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ उन्हीं अभिनेत्रियों से रूबरू कराएंगे जो आज अपनी जिंदगी अकेले ही जी रही हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, एक एक करके मिलते हैं उन अभिनेत्रियों से। नंबर एक पर है वहबीज दोराबजी। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस वहबीज दोराबजी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये हैंडसम एक्टर विवियन डिसेना के साथ अफेयर में रही हैं और उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हुए इन्होंने उनसे साल 2013 में शादी भी कर ली थी। लेकिन दोनों के बीच कुछ ठीक ना होने के चलते ये उनसे 2017 में डिवोर्स लेकर अलग हो गई थी। बस तभी से ये अपनी जिंदगी आज तक अकेली जी रही हैं। नंबर दो पर है श्वेता तिवारी। साल 2001 में टेलीकास्ट हुआ पॉपुलर सीरियल कसौटी जिंदगी की में प्रेरणा की भूमिका से आज भी फैंस के दिलों पर राज कर रही अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है। जी हाँ, ये दो बार अफेयर में रहने के बावजूद आज अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली हैं। आपको बता दें कि इनका पहला अफेयर एक्टर राजा चौधरी से रहा था और उन्हीं से इन्होंने 1998 में शादी रचाई थी। लेकिन इनका उनसे रिश्ता टूट गया, जिसके बाद इन्होंने साल 2013 में एक्टर अभिनव कोहली से शादी की। लेकिन इन्होंने उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया, जिसके चलते ये उनसे भी अलग हो गयी और आज अपने बच्चों के सहारे ये अकेली जिंदगी जी रही हैं। नंबर तीन पर है संजीदा शेख। एक हसीना थी और पिया का घर प्यारा लगे जैसे सीरियलों में काम करके मशहूर हुई अभिनेत्री संजीदा शेख भी आज अकेली जिंदगी जी रही हैं। आपको बता दें कि इन्होंने साल 2012 में अपने बॉयफ्रेंड आमिर अली से शादी की थी, लेकिन उनसे इन्हें धोखा मिला, जिसके चलते इन्होंने उनसे डिवोर्स ले लिया। नंबर चार पर है जेनिफर विंगेट। टीवी इंडस्ट्री की एटीट्यूड और हसीन गर्ल जेनिफर विंगेट का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने साल 2012 में एक्टर करण सिंह ग्रोवर के नाम का मंगलसूत्र अपने गले में पहना था और बाद में उनसे प्यार में धोखा मिलने पर उनसे डिवोर्स ले लिया, जिसके बाद ये एक्टर शहबाज अजीम के साथ चर्चा में आई पर उनसे भी रिश्ता कुछ अच्छा ना रहने पर ये उनसे भी अलग हो गयी। नंबर पाँच पर है रश्मि देसाई। साल 2008 में कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ सीरियल उतरन तो सभी को याद ही होगा, जिसमें तपस्या के खूबसूरत किरदार में अभिनेत्री रश्मि देसाई हमें नजर आई थी और इन्हीं के साथ एक्टर नदीश सिंह सिंधु भी काम कर रहे थे, जिनके साथ इनका चक्कर चला था और उन्हीं से इन्होंने साल 2012 में शादी कर ली थी। लेकिन रिश्ता अच्छा न चलने पर इन्होंने उनसे साल 2016 में डिवोर्स ले लिया, जिसके बाद ये अपने बॉयफ्रेंड अरहान खान को डेट करने लगी थी, लेकिन आपसी अनबन के चलते ये उनसे भी अलग हो गई। नंबर छह पर है श्रुति झा। सौभाग्यवती भवा और कुमकुम भाग्य फेम एक्ट्रेस श्रुति झा वैसे तो अभी अनमैरिड हैं, लेकिन एक समय पहले ये अपने को स्टार हर्षद चोपड़ा को डेट कर चुकी हैं और उनसे धोखा मिलने पर ये कुणाल करण कपूर के साथ सुर्खियों में आई, पर उनसे भी इनका रिश्ता सही नहीं रहा और दोनों से अलग होकर ये आज भी अकेले जिंदगी जी रही हैं। वेल दोस्तों, आप इन अभिनेत्रियों की जिंदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।